नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। एक महिला को करीब एक माह से पेट दर्द हो रहा था। इस दौरान उसने कई डॉक्टरों को बताया तो उन्होंने सामान्य पेट दर्द समझकर उसका इलाज किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पर उसने इंदौर के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टरों ने उसकी जाँच की। इसमें पता चला कि महिला के पेट में एक हेयर पिन फंसी है, जिससे पेट में कई घाव हो गए हैं। डॉक्टरों की टीम ने उक्त एंडोस्कोपी प्रोसेस में हेयर पिन निकाली, जिसके बाद महिला को आराम है। मामला इंदौर निवासी रजिया बी, उम्र 46 वर्ष का है। उसे करीब एक माह से पेट दर्द के साथ उल्टियां हो रही थी। उसने गांव में ही 2-3 होम्योपैथिक डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने उसे दवाइयां दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बीच उसका दर्द और बढ़ गया और उठने बैठने में भी परेशानी होने लगी। इस पर उसने 20 जुलाई को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दिखाया। इसके साथ ही भूख नहीं लगने की बात भी कही। यहां डॉक्टरों ने उसकी सोनोग्राफी सहित सभी जरूरी जांच कराई, लेकिन सभी की रिपोर्ट नॉर्मल आई। इस पर डॉक्टरों ने उसकी एंडोस्कोपी प्रोसेस शुरू की। डॉक्टर रविजा प्रसाद के मुताबिक एंडोस्कोपी से इलाज शुरू किया तो पेट के ऊपर पार्ट में छालों जैसे घाव दिखे, जो सूखने के साथ सफेद हो गए थे। फिर डॉक्टरों ने दूरबीन सिस्टम से पेट के अंदरूनी हिस्से को देखा तो गहराई में पीले रंग की एक हेयर पिन दिखाई दी। इस पर करीब 20 मिनट की प्रोसेस में उक्त हेयर पिन को निकाल लिया। डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि उक्त पिन मसल्स के बीच में फंसी होने के कारण सोनोग्राफी में दिखाई नहीं दी। इसके बाद एंडोस्कोपी में इसका पता चला। महिला अभी एडमिट है तथा उसे सेमी लिक्विड डाइट दी जा रही है। उसका इलाज करीब 3,000 रुपए आयुष्मान योजना में हुआ है। जल्द ही उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। महिला का करीब 10 साल से डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। पति ने बताया कि संभवतः दवाइयां लेने के दौरान उसने गलती से हेयर पिन निगल ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। पेट खुलता था तो पिन बीच में फंसी हुई, तो जब पेट खुलता था तो वो पिन ऑब्स्टिकल हो जा रही थी ना, वो ना खाना उधर पाता था ना बाहर आ पाता था, इसलिए उनको कंटिन्यूस वॉमिटिंग के एपिसोड हो रहे थे। जब हमने वो देखा एंडोस्कोपी वीडियो में, जब हमने देखा कि वो हेयर पिन है, उसके बाद स्मीयर्स प्रोसीजर करके, एक एंडोस्कोपी के प्रोसीजर के वक्त ही स्मीयर्स डाल के उस हेयर पिन को मैंने उसी वक्त उसको रिमूव किया।